नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। आज फिर हम पीजीटी ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आज की वीडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला ऑप्शन है कि इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो कि बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। इंडिया जो है वो साउथ ऑफ इक्वेटर नहीं है, वो कहाँ पर है? वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है? यानी हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इंडिया लोकेटेड है। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया के साउथ पार्ट में जो है वो आपका इंडिया लोकेटेड, यानी साउथ इंडिया के अंदर आपका भारत देखने को मिल जाता है। वहीं अगला पॉइंट है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भी पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखा होता 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, याद रखिए ये आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, ठीक है। फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लॉन्गिट्यूड। तो दिया गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्व के देशांतरों के मध्य पाए जाता है, तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ये आपका देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार को एक तरीके से समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ भारत के IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम जोन जो है, हम 82 डिग्री 30 मिनट्स को हमने अपना ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने अपना क्या लिया है, IST लिया है, जो कि आपके पांच स्टेट से लाइन होके गुजरती है। तो पहला आपका आता है UP, फिर आपका आता है MP, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखें। उसके बाद आपका आता है उड़ीसा एंड एंड में आपका आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आप अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि विच कंट्री इन इंडियाज फार ईस्ट फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया। तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत को समझते हैं, तो भारत के पूर्व में यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। नॉर्थ की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर भूटान, यहाँ पर आपका चाइना है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर आपका श्रीलंका है। तो उसने ईस्ट बोला है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ एक और है यहाँ पे म्यांमार, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फार ईस्ट बोला है ना, ईस्ट में होता तो बांग्लादेश हो जाता है, बट यहाँ पर उन्होंने फार ईस्ट बोला है, तो यहाँ पर म्यांमार जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद विच कंट्री डज इंडिया हैव द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर। तो किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी भूमि सीमा है, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पे आपकी जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, और मात्र 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारी किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, याद रखेंगे, अफगानिस्तान के साथ है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी हमारी बाउंड्री है, पर अगर हम देखते हैं सबसे बड़ी तो वो आपकी बांग्लादेश के साथ हो जाती है। फिर इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद विच कंट्री डज इंडिया हैव द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर। तो अभी हमने डिस्कस किया कि वो म्यांमार अफगानिस्तान है, तो इस वाले क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, तो इसका भी डी ऑप्शन है। चलिए अगला है, एडम्स ब्रिज इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एडम जो पुल है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की जो है वो बाउंड्री लाइन है, 30 क्वेश्चन दिया गया है। तो एडम्स का ब्रिज जो है बेटा वो आपका कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया और श्रीलंका का बॉर्डर बनाता है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेड क्लिफ, क्यों, क्योंकि रेड क्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का विभाजन किया था।
फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो भा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है। देखिए औसत दूरी लगभग 15 करोड़, ठीक है, किलोमीटर के आसपास है, जिसको हम एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ये चीज याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ई ऑप्शन, यहाँ क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए आंसर याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि द कैलेस्ट्रियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सन देखता हूँ तो सन के बाद आपका पहला प्लैनेट क्या आता है, मर्क्यूरी, फिर आपका आता है वीनस, फिर आपका आता है अर्थ और फिर आपका आता है मार्स। यहाँ पे आपको कौन सी बेल्ट देखने को मिल जाती है, एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा, जुपिटर, यहाँ आपका आएगा सैटर्न, यहाँ पे आपका आएगा यूरेनस और यहाँ आपका आएगा नेपच्यून। तो यानी मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे मार्स और जुपिटर के बीच के में आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलती है, जिनको हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं सन ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे मून है और यहाँ पे अर्थ है, तो हमेशा याद रखना जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के समय तो आपका मून है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण में अर्थ और सूरज के, सॉरी अर्थ और सॉरी यहाँ पर क्या होता है, देखिए चंद्र ग्रहण में इसका उल्टा हो जाता है, तो अर्थ जो है वो बीच में आ जाता है। अर्थ कहाँ जाएगा, बीच में आएगा, और मून और सन जो है वो आपको अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अर्थ बीच में आ जाएगा, ठीक है, चंद्र ग्रहण में अर्थ बीच में आएगा और सूर्य ग्रहण में मून बीच में आएगा, इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो किस अवधि के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है। तो याद रखेंगे इसको इस तरीके से समझते हैं, यह आपका सन है, यहाँ आपका अर्थ है और यहाँ आपका अर्थ है। तो जो सबसे कम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा दूरी होती है उसको हम कहते हैं अपसौर, याद रखेंगे। अपसौर जो है वो आपका 4 जुलाई को देखने को मिलता है, और जो उपसौर है वो आपको 3 जनवरी यानी आने वाला है जो जनवरी तब दिखाई देता है। तो उपसौर के समय, तो यहाँ पर क्या बोला गया, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो सी ऑप्शन एपिहेलियन सही हो जाएगा, यानी अपसोर। और यहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है 152.7 मिलियन किलोमीटर, याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे कम कितना होता है, 147.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखेंगे। यही एक फैक्ट है जहाँ से आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगला देखेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो समझते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते क्या है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक बेल्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोरॉयड बेल्ट, ठीक है, यानी क्षुद्र ग्रह, याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह। तो अगर मैं यहाँ सन लेता हूँ तो यहाँ आपका क्या आएगा, मर्क्यूरी, और यहाँ आपका आएगा वीनस, यहाँ आपका आएगा अर्थ और यहाँ आपका आएगा मार्स, यहाँ आपका आएगा जुपिटर, यहाँ आपका आएगा सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो 4 प्लैनेट हैं इनको हम क्या कहते हैं, गैसियस प्लैनेट। गैसियस प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैस से बने हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैक्सिमम प्लैनेट ये जो 4 हैं वो इन्हीं दो गैसेस से बने हैं, और ये जो प्लैनेट हैं ये रॉकी होते हैं, इनको रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इसका 4 आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, 1, 2 एंड ये 3 और ये 4, और 4 ही आपके गैसियस प्लैनेट भी हैं। फिर हम देखते हैं कि डी ऑप्शन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, तो निम्नलिखित में से मिलान किसका गलत है, ठीक है? तो यहाँ पर मिलान देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये भी गलत है। और आपका सेकंड जो मिक्सअप हो गया बच्चों, ये सेकंड ऑप्शन दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66, तो सेकंड वाला भी गलत है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 0 डिग्री की है, ये भी गलत है। साउथ पोल 66, ये भी गलत है। तो यानी आपका जो सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 एंड नॉर्थ लैटिट्यूड, ये सही है। यानी आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी 2, 3 और 4, यानी आपका ये ऑप्शन यहाँ पर चेंज किया गया है। डी ऑप्शन की बात करें तो 2, 3 और 4 सही है, ठीक है? यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, 2, 3 और 4 क्या है गलत हो जाएगा, और नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, द टाइम एट ग्रीनविच इज नोन, व्हाट विल बी द टाइम एट प्लेस सिचुएटेड 50 डिग्री ईस्ट, ठीक है? तो आपको पहले समझना है इसको। मान लीजिए 0 डिग्री की ग्रीनविच लाइन है, हमेशा याद रखना दोस्तों, 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जाने पे कितने डिग्री का चेंज आएगा, 1 आवर का चेंज आएगा। और अगर मैं आवर को मिनट में चेंज करूँ तो 1 डिग्री में आपका 4 मिनट का क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पर कितना डिग्री बोला है आपका, 50। तो अगर मैं 50 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये करीबन आपका 200 मिनट्स आ जाएगा। और अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो आप किससे, 60 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 ये 3 आएगा, और ये आपका 20 मिनट्स के करीब आ जाएगा, ठीक है? 3:20। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना 15 डिग्री ईस्ट जाने पे 1 आवर बढ़ जाता है, और 15 डिग्री वेस्ट जाने पे 1 आवर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो इस तरफ लेस और इस तरफ गेन होता है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है? फिर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रीडोमिनेट इन मेंटल, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंटल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए 3 लेयर होती हैं, एक आपके हो गए सियाल जिसमें आपको मिलता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। उसके बाद आपको मिलता है सीमा, ठीक है? सीमा में क्या होता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। उसके बाद आपको मिलता है कोर, जिसको हम निफे के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका होता है निकल एंड फेरस। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एलिमेंट मेंटल बोला गया है, तो सीमा हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है? तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है ये क्रस्ट, इससे क्या बनती है क्रस्ट, और इससे क्या बनता है मेंटल, और इससे क्या बनता है कोर हमारा, ठीक है? याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, द रीजन फॉर विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है जहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है? तो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग यानी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है बेटा वो होती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आपको ठंड में बारिश देखने को मिल जाती है। तो वहीं पे अगला हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि द मेन फीचर ऑफ मानसून क्लाइमेट इज, तो मानसून की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है, तो उसकी मुख्य विशेषता हो जाती है सीजनल चेंज इन विंड, यानी हवा की दिशा में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ठीक है? 6 महीने हवा उत्तर पूर्वी दिशा से चलती है, याद रखेंगे, और 6 महीने जो पवन है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है? आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैनग्रोव फॉरेस्ट, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों का संयोजन देखने को मिल जाता है, तो वो आपका क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है? अंडमान और निकोबार आइलैंड में आपको तीनों का जो है क्या देखने को मिलेगा, तीनों का समूह देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है? मैनग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेंगे और आपको सदाबहार वन भी मिलेंगे और आपको यहाँ पे मिलेंगे पर्णपाती वन भी, ठीक है? तो तीनों वन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, याद रखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द शॉर्ट स्टोर हाउस ऑफ इंडिया मिनरल्स इज, तो भारतीय खनिजों का भंडार किस क्षेत्र को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो में आपको पता ही है, जिसके अंदर आपका झारखंड आ जाता है, ठीक है, झारखंड में झरिया में कोल मिलता है, ठीक है। फिर वहीं वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल के रानीगंज में आपको कोल देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही आपका ओडिशा और आपका छत्तीसगढ़, इन दोनों जगह पे आपको आयरन एंड कोल देखने को मिल जाता है, याद रखेंगे छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द कुद्रेमुख आयरन मिनरल प्रोजेक्ट लोकेटेड, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में कुद्रेमुख लोहे खनिज परियोजना जो है वो स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर एक तो दो आयरन, दो लोहो खनिज अयस्क क्षेत्र है, जिसमें आपका एक आता है बेल्लारी और दूसरा आपका आता है कुद्रेमुख। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो क्षेत्र हैं कर्नाटका के, और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पूछा गया कि इन स्टेटमेंट में से ट्रू कौन सा है? तो देखते हैं, खनिज तेल मुख्य रूप से तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद है, मुंबई है भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। तो भारत का पहला तेल क्षेत्र डिगबोई था, ये भी सही है। तो यानी आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। हमेशा याद रखना, भारत अपनी जरूरत का 15% पेट्रोल क्या करता है, उसका उत्पादन कर पाता है, 15% का उत्पादन कर रहा है, और बाकी जो 85% है दोस्तों वो आपका आयात किया जाता है, ठीक है। और आयात हम सबसे ज्यादा इस टाइम पे किससे कर रहे हैं? आपका पहला फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाएगा रशिया, सेकेंड नंबर पे आपका हो जाएगा सऊदी अरेबिया। इन दो कंट्री, ये टॉप टू कंट्रीज है जहां से हम पेट्रोल का इंपोर्ट कर रहे हैं। वहीं हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेंटर, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा था? तो यहाँ दिया गया है नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले की बात हो रही है, तो उसका बी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तारापुर को 1969 में तारापुर परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र को संचालित किया गया था। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है, और एक आता है कि भारत का स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है? तो वो आपका कल्पक्कम हो जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु के अंदर मौजूद है। वहीं पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द विंड्स दैट मूव्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो हम डायग्राम से समझते हैं, मान लीजिए हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 23 डिग्री एंड 30 मिनट, तो यहाँ से इस तरीके से हवाएं चल के आती हैं, तो इन विंड्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने कहते हैं, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी, तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं आपके, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर, या इनमें से कोई नहीं। तो कावेरी नदी के पास तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो मौजूद है। आपको ना देखिए, सिटीज जैसे आपका ताप्ती रिवर है, ताप्ती रिवर के पास सूरत शहर है, तो आपको ना इस तरीके से याद रखना है, जैसे यमुना के पास दिल्ली भी है और आगरा भी है, तो इस तरीके से आपको लोकेशन याद करनी है कि कौन सी रिवर के पास कौन सा शहर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम, तो भारत में जो अधिकतम वर्षा है वो कौन से मानसून के द्वारा प्राप्त करी जाती है? तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। करीबन आपकी 75% जो रेनफॉल है वो आपकी साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड, तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे? तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो आपको सॉरी नीलगिरी की पहाड़ियों पे देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनमें से बी ऑप्शन गलत है और सी भी गलत है और डी भी गलत है। आज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मेजर कमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया, तो भारत की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें वो जो नगद में बेची जाती है यानी जिससे आमदनी होती है किसानों की, तो वो कौन कौन सी हैं? तो वो आपके रहेंगे कॉटन, ऑयल सीड, जूट और सुगर के। देखिए जूट में अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्ट बंगाल नंबर वन पे है और इंडिया की रैंकिंग भी जो है वो फर्स्ट है। शुगर पे केन की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ऑयल सीड की बात करें तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और कॉटन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये भी याद रखें कि कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Fearless.